हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि ब्रांडेड कंपनी का कॉस्मेटिक माल अब्रॉड से मुंबई और अलग अलग सिटी में आता है, और उसमें वो एक्सपायर हुआ माल रहता है, उसमें एक्सपायरी डेट कंप्यूटर के सहायता से चेंज करते हैं और उसको सेल करते हैं अलग अलग दुकान में। ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हुए हमको गोरेगांव में क्रॉपर मार्केट में और दाना बंदर, इधर तीन जगह का एड्रेस मिला था। हम यूनिट 11 की टीम, यूनिट 12 और यूनिट 8, ऐसी तीन टीम तैयार करके एक ही टाइम में रेड कर दिया, और उधर नियरली अबाउट 3 सवा 3 करोड़ का माल मिला हुआ है उधर। उसमें अलग अलग कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का माल है वो माल एक्सपायर हुआ है, बट उसके ऊपर नई नई डेट डाली हुई, एक्सपायरी नई डेट डाली हुई, और ये वो अलग अलग जो उनके सेल करने के जो शॉप है, कांजुली में है, घाटकोपर में है, अलग अलग जगह है, वो उसके थ्रू वो सेल करते हैं। वैसे क्रॉपर मार्केट का जो बड़ा शॉप था उसमें रेड करके वहाँ से भी माल बरामद किया वो सेल करते समय, और 13 लाख रुपये भी जो माल बेच दिया उसका जब्त किया है। दूसरा, उसमें एक अक्यूज को अरेस्ट किया हुआ है, अभी इसमें तहकीकात चालू है कि ये इसमें कितने लोग और जुड़े हुए हैं और कैसा करते हैं। माल सर कहाँ कहाँ से ले आते थे, अब्रॉड में कहाँ कहाँ से माल मंगवाते थे, और क्या गोदाम में बैठकर ये माल चाइना से मंगाते थे, दुबई से मंगाते थे, यूरोप से मंगाते थे, ब्रांडेड कंपनी का, और वो गोदाम में अपने उनके गोडाउन में बैठ के उधर वो जो माल है, माल के ऊपर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर की जो एक्सपायरी डेट है उसको वो एक लिक्विड लगा के वो निकालते थे, और निकालने के बाद वहाँ पे नया स्टिकर जो कंप्यूटर से तैयार किया एक्सपायरी डेट का वहाँ डालते थे और सेल के लिए बेचते थे। कब से ये लोग कर रहे थे? ऐसा अभी तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि 1 साल से है, बट हो सकता है अभी उसका जो वहाँ से 14 हार्ड डिस्क और बहुत से मोबाइल जब्त किए हुए